इंदौर क्राइम ब्रांच ने दो दिन पहले चैन स्नैचिंग गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश गैंग के लिए पुलिस की रेकी करता था। पूछताछ में उसने बताया कि गैंग का सरगना करीब 15 सिम का उपयोग करता है। हर वारदात के समय नई सिम का उपयोग करता था। आरोपियों ने उज्जैन, देवास, सोनकक्ष, खरगोन, बदनावर, सनावत, कसरावत में वारदातें की थी। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी गुरु प्रसाद परासर की टीम के हाथ आए बदमाश साहिर पुत्र फिरोज खान के एक साथी अमन पुत्र श्याम सुंदर को खरगोन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी इस नेचरों के लिए रेकी करता था। वह पुलिस की लोकेशन से भी गैंग को मोबाइल पर सूचना देता था। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही बदमाश रूट बदलकर दूसरी जगह से निकल जाते थे। अमन वारदात के समय अपनी खुद की बाइक का इस्तेमाल करता था ताकि पुलिस चेकिंग में भी उस पर किसी तरह की शंका ना हो सके। पूछताछ में आरोपी से जानकारी लगने के बाद खरगोन पुलिस ने भी रेकी कर मुखबिर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद टीम के बाकी सदस्य फरार हो गए हैं। फरार आरोपियों के पकड़ में आने के बाद आरोपियों से और खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपियों में कालू उर्फ पाजी उर्फ रवींद्र पुत्र चंपालाल जाट निवासी शास्त्री मोहल्ला कानवन, नीलेश पुत्र लच्छी राम राठौर निवासी छत्रछाया कॉलोनी पीतमपुर, बिट्टू उर्फ विकास अवस्थी निवासी कॉस्मोस कॉलोनी पीतमपुर की तलाश की जा रही है। गैंग का सरगना कालू उर्फ पाजी है, जो करीब 15 सिम ऑपरेट करता है। पाजी हर वारदात के बाद उसे सिम बदल देता है। फरार तीन आरोपियों ने अभी मोबाइल बंद कर अपना ठिकाना बदल लिया है। पुलिस ने उनकी लोकेशन निकाली तो उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बैतूल की निकली। पुलिस की टीमें बैतूल तक भी पहुंची, लेकिन आरोपी वहां से भी फरार हो गए। उत्तराखंड और बैतूल की टीमों को भी अलर्ट किया गया है। आरोपियों ने उज्जैन, देवास, सोनकक्ष, खरगोन, बदनावर, सनावत, कसरावत में वारदातें की थी। वहां भी जानकारी लगने के बाद पुलिस अब उन्हें तलाश रही है।